अस्सलाम वालेकुम आई न अहमद टीचर बी एच एस कौन गवरा टुडे अवर क्लैस नाइन्थ सबजेक्ट सास अॉपिक इज डाइवर्सटी इन लिविंग औरगेज़म टुडे स्टूडेंट्स इस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिफ्रेंश करेंगे बिटवीन गिमनोस्पॉम एंड एंजोसो पोरिफेरा कोलेंटेरा एनिलिडा अर्थपोडा एम्फेबियंस रेप्टाइल्स एवर्स एंड मैमल्स सबसे पहले हम कर करेंगे कि गमनसपोम और इंजस्पोम में क्या फ़र्क है यानी हमारा आंसर है डिफरेंस बिटवीन गमनसपोम एंड एंजस्पोम्स एंजस्पोम सीड आर नॉट इन्क्लोज बाय फ्रूट इंजस्पोम में जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के साथ इनकलोज नहीं होते but in angiosperm seed are enclosed by fruit in capella of difference yeah, yeah. they have naked seed for example Cycus, Pinus, Deodar, extra. they have covered seed for example Wheat, Gram, Lopima and uh, डिलम ये मेन डिफरेंस इनके हैं गि, और के इस तरह हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डू पोरीफेरा एनिमल्स डिफर फ्रॉम कोल एनिमल्स हमने इनके करेक्टर पढ़ चुके हैं अब दो तीन डिफरेंस बताएंगे डिफरेंस बिटवींस पोरीफरा एंड कोलेंटेरेटा पोरीफरा के कालों में दे हैव पोर्स अवर देअर होल बॉडी जिन पोरीफरा वो एनिमल्स जिनकी बॉडी पूरी बॉडी पर क्या हूँ पोर्स हूँ कोलेंटेरा <coughs> क्या है दे आर डिप्लोब्लास्टिक दे आर डिप्लोब्लास्टिक पोरीफरा बॉडी पर स्पोर है और कॉलेंटेरा ये डिप्लो ब्लास्टिक है सेकंड है दे हैव कैनोल सिस्टम एंड स्प दे हैव कोलेंटेर बॉडी डिजाइन सेलुलर लेवल पोरीफेरा में जो बॉडी डिजाइन होता है वो सेलुल, सेलुल, सेलुलर लेवल होता है तो कोलेंटेरेटा में

अर्थोपोडा में हैव सेगमेंट बॉडी हैव सेगमेंटेड बॉडी अब ये दोनों इन सिमिलर हैं तो इन्हीं लीडर में क्या होता है कोलम होता है कोलम कोलोम कोलो सिलो, सिलोमिक क्वेटी इज ब्लडेड ब्लड फील्ड सिटेट, सिटेट फार लोकोमोशन हैज़ जॉइनड लेग्स फॉर लोकोमोशन मैं रिपीट करता हूँ इसको लेकिन हमारे पास अगर सवाल आ जाए हाओ डू एनी लीडा एनीमल्स डिफर फ्राम अर्थोपोड अर्थोपोडाजा अर्थोपोड्स डिफरेंट बिटवीं एनी लीडा एंड अर्थोपोडा एनी लीडा हैव सेगमेंटेड बॉडी अर्थोपोडा हैव सेगमेंटेड बॉडी टू है कोलोम्स कोलोमिक कवेटी इज ब्लड फील्ड हैव स्टेट फार लोकोमोशंस लेग्स फॉर लोकोमोशंस और इम्पोर्टेंट है हमारे पास डिफरेंस बिटवींस एम्फेबियंस एंड रिप्टाइल्स एम्फेबियंस और रिप्टायल्स में हमने फ़र्क देना है एम्फेबियंस वो जानवर जो खुश्की पर भी रहने वाले हों रह सकते हों और पानी में भी रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर अपनी बॉडी को घसीट कर चलने वाले जानवर एम्फेबियंस में पहला पार्ट है इसका है मोकस गलेंड्स इन है है इन स्किन हैव ड्राई स्केली स्किन एम्फेबियंस है ग्लेंड्स इन स्केलेस स्किन रेप्टल का जो रेप्टल्स में है, हैव ड्राई स्केले स्कें रिस्पायर बाई गल्स लंग्स एम्फेबियंस रिस्पायर करते हैं गिल्स और लंग्स के जरिए लेकिन रेप्टल्स रिस्पायर करते हैं बाय लंग्स ले वाटर एम्फेबियंस लेगस इन वाटर रेप्टल्स ले एग्स अपॉन लैंड एम्फेबियंस

जे स्टूडेंट्स एवस कहते हैं जिनके अंदर ओवर पोरियस हो और मेमल्स जैसे हमने पढ़ा है कि वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले हों मेमल्स की कैटेगरी में है एवस क्या है लेज एगे बोर्ड्स लेज एक्स मेमल्स क्या करते हैं

No इसने ब्रिक लिखा है ये बीक है इवज विदाउट मेमरी ग्लैंड इवर्स में मेमरी ग्लैंड नहीं होता है मेमल्स है मेमरी ग्लैंड तो डेढ़ स्टूडेंट्स ये आज हमारे पास एक एक नंबर दो दो नंबर के जो तीन चार क्वेश्चन थे कल फिर इनशाला आपकी हिथमत में फिर हाजिर होंगे नए टॉप के साथ अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको याद करने की याद करेंगे आप इन अल्लाह आपको फ़ायदा देगा बाकी वसलम